मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ जन और प्रिय साथी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला सच या झूठ, ये विषय भी है और एक सवाल भी है। इस सवाल से कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या वाकई लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ? ये हमले कौन कर रहा है? क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका है? सवाल ये भी कि कौन है जो हमला होने का शोर मचा रहा है? स्वीडन की एक रिसर्च संस्था है वीडेम, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। इस संस्था की रिपोर्ट ये कहती है G20 के सभी प्रमुख देश और दुनिया के सभी क्षेत्र अब निरंकुशता की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं, जिसकी चपेट में भारत, ब्राजील, अमेरिका और तुर्की जैसी अर्थव्यवस्थाएं आ चुकी हैं। इसी संस्था की जो 2023 की रिपोर्ट, हर साल ये रिपोर्ट देती है, उसका ये कहना है कि दुनिया के जो 179 देश हैं जो उनकी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जब मनाते हैं, उसमें उसने भारत को 97वें नंबर दिया है, 97 नंबर, और चुनावी प्रजातंत्र के इंडेक्स में 108वां स्थान दिया है। पिछले साल उनको 100वें स्थान पर भारत को मिला हुआ था, जिसमें तंजानिया, बोलाविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे जो घोषित निरंकुश राज्य सत्ता वाले देश हैं, उनसे भी भारत को नीचे रखा गया था। यानी प्रजातंत्र की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई वहां पे। वीडियम का ऐसा मानना है, और पिछले 10 साल, वीडियम का ये भी कहना है कि पिछले 10 साल में दुनिया के जो प्रजातंत्र में निरंकुश सत्ता में आने वाले जो देश हैं, उसमें भारत सबसे आगे। डिफाइंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन, ये शीर्षक है जिससे वो रिपोर्ट जारी की थी। उसमें उन थोड़ा सा आर्काइव से देना जरूरी, पृष्ठभूमि बने जिस पर आधार पर अगर दिया जाएगा तो थोड़ी आसानी होगी। पिछले 35 वर्षों के दौरान दुनिया में जो लोकतंत्र ने प्रगति की थी उसको गंवा दिया गया है। दुनिया में प्रजातंत्र का स्तर अब 1986 के समतुल्य हो गया है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थिति 1978 के स्तर तक पहुंच गया है। पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कट्टर निरंकुश सत्ता झेलने वाली आबादी उन्मुक्त प्रजातंत्र में रहने वाली आबादी से अधिक है। लगभग ये रिपोर्ट कहती है, लगभग 1 दशक पहले 7 देशों में अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही थी, पर अब 35 देशों में ऐसा हो रहा है। ये वीडियो का कहना है, वीडियो का मानना है कि दुनिया के 47 देश समाचारों पर सरकारी सेंसरशिप झेल रहे हैं, जबकि 37 देश मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटीज की आवाज को कुचल रहे हैं। दुनिया के 30 ऐसे देश हैं रिपोर्ट के अनुसार जहां चुनाव में सत्ता का पूरा दखल रहता है, यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। भारत को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां मीडिया और अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर अंकुश के कारण वो अब एक लोकतांत्रिक देश से हटकर चुनावी तानाशाही में बदल चुका है। इसी तरह कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक संस्था फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2014 के बाद से भारत के राजनीतिक अधिकारों और आजादी के मामले में स्थिति लगातार खराब हुई है। इसी तरह एक और संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनकी एक रिपोर्ट है 2020 की, उसमें लोकतंत्र का जो सूचकांक वैश्विक स्तर पर जारी हुआ था उसमें भारत को बहुत लोअर रैंकिंग दी गई थी। उसका भी यही कहना था कि भारत में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो खतरे में। अब ये एक रिपोर्ट है जो आमतौर पर इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, वो पश्चिम से आने वाली रिपोर्ट है। इसको लेके एक दूसरा पक्ष है जिनका ये भी कहना है कि भारत को देखने का जो पश्चिमी नजरिया है वो पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भारत की विविधता, जटिलता और सांस्कृतिक परिवेश को जाने समझे बगैर उसे लेकर ये आकलन पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में थिंक टैंक है भारत का विवेकानंद फाउंडेशन को जाना माना, उसके सीनियर फेलो का एक तथ्य था कि जिसमें वो उनका कहना है कि अगर भारत के लोकतंत्र खतरे में है, और उसी रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी की गई, उसी रिपोर्ट में डेनमार्क को लोकतंत्र के सब में पहले नंबर पर रखा गया है। उस डेनमार्क को जिसका संविधान ये कहता है कि होली बाइबिल पर आधारित इवेंजेलिकल लुथेरियन चर्च जो है डेनमार्क का स्थापित चर्च होगा, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि हम धर्म निरपेक्षता की राह पर। तो ये एक जो है मानक जिन लोगों ने तय किया है उनके जो
जो आकलन में एक दोहरा मापदंड दिखता है उसकी एक यहाँ पे हम बात भी देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर भारत में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है, यहाँ असहमतियों के लिए जगह कम हो रही है, तो 2014 के बाद से कुछ आंकड़े दिए हैं उन लोगों का, जिन लोगों का जो मानना है कि भारत में लोकतंत्र सही स्थिति में है और ये जो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि 2014 में दैनिक अखबारों का सर्कुलेशन 14 करोड़ के आसपास था, जो 2018 में बढ़कर 24 करोड़ के आसपास हो गया। देश में 800 टीवी चैनल है इस वक्त, जिसमें से 200 न्यूज चैनल है। लोगों के घरों में टीवी देखने वाले 14 करोड़ से पहले 2014 के आसपास, जो अब 2018 में बढ़कर 20 करोड़ के आसपास हो गए। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन जो है 15 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हो गए। अगर आजादी पर कोई बाधा होती तो मीडिया इस तरह विस्तार कैसे करता। एक तरफ ये भी है कि हम रोज से देखते हैं ये कि साउटिंग क्रिकेट मतलब चैनलों में जो आवाजें होती है, जो रोज जो है डिबेट के दौरान जो घासें होती है, वो अगर हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आजादी के लिए स्पेस है। दूसरा ये एक जैसे डिजिटल माध्यमों में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो अगर एक हैशटैग चल जाता है कि दुनिया का भारत का सबसे खराब प्रधानमंत्री हैशटैग, वो ट्रेंड करता है नंबर 1 पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमने जगह दी है उसको ना ऐसा ट्रेंड करने की। ये तो मौजूदा व्यवस्था में भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इतनी जगह है कि वो असहमतियों को भी सुन सकता है, ये उनका कहना है जो इस लोकतंत्र पर हमले वाली लाइन के पक्षधर नहीं। एक और जो बात कही जाती है, जो जिन लोगों का कहना है कि मीडिया की जगह और स्वतंत्रता आजादी की स्वतंत्रता छीन रही है, उनका एक और कहना है कि डेमोक्रेटिक रिसेशन जैसा एक माहौल दुनिया में है, लोकतांत्रिक मंदी, उसकी चपेट में भारत भी है। इस मंदी की परिणति यह है कि जनता जो है सर्विलांस कैपिटलिज्म बोलते हैं, जो सर्विलांस कैपिटलिज्म एक तरह का एक जो है पूंजीवादी निगरानी में पूरी दुनिया है। बड़ी बड़ी जो कंपनी टेक कंपनी है, गूगल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनकी जो है वो जो सूचना का तंत्र है वो हमारे जीवन तक पहुंच गया है, और वो कंपनियां देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति भी किसी तरह जवाबदेह नहीं है। तो नंबर 2 अब ये है कि लोकतंत्र पर एक चौतरफा चुनौतियां दिख रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत के लिए भी चुनौतियां हैं, और भारत के चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा है कि कोस कोस पर पानी दोनों बदल जाती है। औपनिवेशिक गुलामी से निकलकर भारत को जो लोकतंत्र मिला है, तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ लोकतंत्र जो है सिर्फ संविधान के ढांचे में तो मिला, मगर संस्कार और चरित्र में जो है सामंती, अर्ध सामंती और औपनिवेशिक जो संस्कार है उसी के साथ संस्थाएं और जो है राजनीतिक तंत्र चलता रहा, इस वजह से समस्याएं हैं। पर भारत लगातार चल रहा है लोकतंत्र के रूप में, इतने लंबे सफर को दुनिया लगातार सब सुबह की निजात में देखती है। उसका मानना है कि 7 दशकों की यात्रा के बाद अगर भारत यहाँ तक पहुंचा है तो इस खामियों पर ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि उनको भारत की जटिलताओं को समझना उनके लिए जरा कठिन हो गया है। उनके मानक धर्म की जो है तो मौका मिलता बकायदा तो लोकतंत्र सब जानना चाहते होंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। के लिए आपको हमारे साथ पद्मश्री अनुप जी भी बैठे हैं, छोलीवुड के अमिताभ बच्चन कहता हूँ, छोलीवुड का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग सुने जितने मेरे